नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्सपी पेन डेको, ये देखिए, ये आपने देखा होगा टैब, एक्सपी पेन डेको को मोबाइल से कैसे कनेक्ट करते हैं और किस तरह से आप मोबाइल के थ्रू भी ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। मैं आपको जूम पे बताऊंगा इसको चला के, मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पे भी बताऊंगा आपको चला के, या फिर आप अगर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप इसको चला सकते हो। आप ऑनलाइन अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हो इसके थ्रू। तो कैसे करते हैं इस सारी सेटिंग, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं हम लोग अब अपने मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए पहले मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ कि कैसे कनेक्शन करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये पेंटेब है, और पेंटेब में ये यहाँ से आपको छोटा सा एक पोर्ट दिख रहा है, इस पोर्ट में आपको इस पिन को लगाना है। ये पिन आपको लगा दिए, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अपने इस टेप को मोबाइल से कनेक्ट करना है। मोबाइल से कनेक्ट करने के लिए आपके सबसे पहले आपके पास एक कनेक्टर होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी आपको इस टेप के साथ मिलेगा। तो वो कनेक्टर है, ये मेरे पास सी टाइप कनेक्टर है, क्योंकि मेरे मोबाइल में सी टाइप लगता है, इसलिए मेरे को सी टाइप चाहिए। ये मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया पहले, ये हो गया। इसके बाद आपको ये जो दूसरा पार्ट है इसका, ये केबल का, इस केबल को यहाँ से लगा देना है। इस समय मोबाइल से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे रख देते हैं। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टैंड है तो आप स्टैंड पे रख सकते हैं, मेरे पास नहीं है तो मैंने अभी फिलहाल इस पे रख लिया। ओके, मैंने अभी मोबाइल को टेप से कनेक्ट कर लिया है। अब देखो मेरे पास, देखिए आपको ये दिख रहा होगा, ये इसी के साथ आता है, ये ग्लव्स है। ग्लव्स इसलिए लगाते हैं ताकि ये इसकी स्किन पे टच ना करे, आपकी स्किन इस पे टच ना करे, आप स्मूथली इस पे काम कर सके, इस कारण से ये इसको पहनते हैं, ठीक है। अब लिया मैंने ये पेन, इस पेन से मेरे को जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिखाएगा। मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो खासकर टीचर्स के लिए है, टीचर किस प्रकार से अपने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं इसको बेस रख के मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो सभी टीचर से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अब आप जिससे भी आप पढ़ाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज करिए आप जूम ऐप से पढ़ाना चाहते हैं, तो आप जूम ऐप ओपन करिए। ये जूम ऐप ओपन किया आपने, ठीक है, और आपने जो मीटिंग शेड्यूल की है आप उसको स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए मीटिंग स्टार्ट हो रही है, ये देखिए इससे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए शेयर ऑप्शन है, इस शेयर ऑप्शन पे आप जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको शेयर व्हाइट बोर्ड। आप व्हाइट बोर्ड पे चले जाएंगे, ये व्हाइट बोर्ड हो गया, और यहाँ पे आप इसको टैप कर देंगे। अब यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगा वो आपको यहाँ पे दिखेगा। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखिए आपको दिख रहा है, मैंने लिखा यहाँ पे राजेंद्र तिवारी, ये आपको लिखा दिख रहा है यहाँ पे। मान लीजिए कोई मैथमेटिक का क्वेश्चन मैंने लिखा 2x + 5y = 3, 3x - 9y = 6, इसको मुझे सॉल्व करना है तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। इस टाइप से मैं कुछ भी यहाँ पे लिखकर सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। इस टाइप से आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पे लिखा दिखेगा। इस समय मैं जूम ऐप के थ्रू आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इस समय लाइव क्लास चल रही है, आप भी इस तरह से लाइव पढ़ा सकते हैं। ओके, मान लीजिए इस पेज पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ तो आप स्टूडेंट से कह सकते हैं इसको नोट कर लीजिए। फिर क्या करेंगे आप, ये जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको डिलीट का, आप डिलीट पे जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अब आप फिर से शुरू कर सकते हैं दूसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा जो पेज है वहां पे शुरू कर सकते हैं और ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसका कलर चेंज किया जाए तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पे आप दूसरा कलर ला सकते हो, आप जो भी लिखेंगे आप दूसरे कलर से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ओके, कितने भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इरेज करना, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज आपकी गलत हो गई तो आप ये जो इरेजर दिख रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, इस इरेजर को आप क्लिक करेंगे तो आप इरेज कर सकते हो किसी भी चीज को, जहां जहां भी आपको इरेज करना है आप इरेज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इरेज कर दिया पूरा, ओके, ये इरेजिंग हो सकती है। इस टाइप से आप जूम ऐप पर इस पेन टेप का यूज करके अपने बच्चे को लाइव पढ़ा सकते हो, क्योंकि जूम ऐप पे व्हाइट बोर्ड ऑप्शन होता है इसलिए आप इसको इजीली पढ़ा सकते हो। सपोज करिए आप जूम ऐप पे नहीं पढ़ाते हो, यानी जूम ऐप आपके पास नहीं है, आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप से पढ़ाते हो तो भी आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपको जैसे मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप पे व्हाइट बोर्ड ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। जैसे मैं जाता हूँ मेरे टीम ऐप के ऊपर, देखिए जैसे ये टीम ऐप है, आप टीम ऐप पे गए, ये टीम ऐप है, आप जो भी क्लास आपकी लेना है, जैसे मान लीजिए क्लास है, आप यहाँ ज्वाइन पे जाएंगे, ज्वाइन पे जाके आप ज्वाइन कर लेंगे और आप ज्वाइन नाउ पे जाओगे, ठीक है। लेकिन आपको मालूम कि इसमें शेयर, आप शेयर में आपका व्हाइट बोर्ड ऑप्शन नहीं है, शेयर जब करोगे तो व्हाइट बोर्ड ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे जैसे आप करोगे तो आपको व्हाइट बोर्ड कहीं पर नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है कि इसके लिए आप पहले से ही एक व्हाइट बोर्ड का एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, देखिए आपको बताता हूँ मैं, ये मैंने व्हाइट बोर्ड का एक ऐप डाउनलोड कर रखा है। इस ऐप को मैं क्लिक करता हूँ,
तो ये व्हाइट बोर्ड ओपन हो जाता है। अब आप इस व्हाइट बोर्ड से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं, देखिए ठीक है, जो भी आप लिखेंगे आप इजीली लिख पाएंगे यहाँ पे, ओके। जैसा मैं लिख रहा हूं वो यहाँ पे आपको पता चल रहा है, क्लियर। आप चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो गया, आप यहां से इरेज कर दीजिए, दूसरा लिखना शुरू कर दीजिए, दूसरा लिखाना शुरू हो जाएगा इस टाइप से, ओके। आपका प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से इस पेनटेप को यूज करके पढ़ा सकते हो। आप चाहे गूगल मीट से पढ़ाइए, या फिर आप जियो मीट से पढ़ाइए, या फिर आप जूम ऐप से, या माइक्रोसॉफ्ट टीवी, किसी से भी आप इसको पढ़ा सकते हो। बस आपको करना क्या है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर व्हाइट बोर्ड ऑप्शन नहीं होगा उसके लिए आप अलग से एक व्हाइट बोर्ड ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उससे पढ़ाना शुरू कर दीजिए, स्क्रीन शेयर करके आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो से मदद मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए।